शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुस्लिम लीडर वसीम रिजवी ने शाहीन बाग को भारत की धरती पर कलंक बताया है और कहा है कि सीएए का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे इंसानियत के खिलाफ हैं। सीएए को लेकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के अधिकांश लोग इसके समर्थन में सामने आए हैं। कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के चक्कर में सीएए का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएए को लेकर जिस शाहीन बाग के जरिए राजनीति की जा रही है, देश के प्रबुद्ध मुस्लिम लीडर भी अब उसके विरोध में सामने आ रहे हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने तो शाहीन बाग को भारत की धरती पर कलंक बताया है और कहा है कि सीए का विरोध इंसानियत के खिलाफ है। रिजवी का कहना है कि कुछ गद्दार कट्टरपंथियों को छोड़कर हर हिंदुस्तानी को मोदी जी की हुकूमत पर गर्व है। शाहीन बाग भारत की धरती पर एक कलंक है। पाकिस्तान तालिबान से जो हिंदू अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान भागाए, उनको भारत नेशनलिटी क्यों दे रहा है? क्या इस बात का विरोध हो रहा है? क्या तालिबानी पैसों से जो लोग विदेशी हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, क्या इन हिंदुओं को वापस मरने के लिए तालिबान के हवाले कर दिया जाए? सीए का विरोध इंसानियत के खिलाफ है। कुछ गद्दार कट्टरपंथियों को छोड़कर हर हिंदुस्तानियों को मोदी जी की हुकूमत पर गर्व है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।